नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है चेहरे की चर्बी कैसे कम करें। चेहरे की चर्बी कहाँ होती है? सबसे पहले अपने गालों पे होती है, फिर अपनी ठोड़ी के नीचे होती है, यानी कि चिन, डबल चिन जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बन जाती है। तो इस डबल चिन के लिए हम क्या करेंगे, अलग से सेशन लेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होता है, हमारे चेहरे पे चर्बी कैसे कम होती है इसके लिए हमारा सेशन चलेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपकमिंग वीडियोज आपके लिए इसी तरह के होंगे जो बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा वॉच करना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। जो मैं सेशन बताऊंगी और जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ उसको अगर आप रोज 15 मिनट के लिए फॉलो करेंगे तो आपके फेस पे जरूर फर्क पड़ेगा, यानी कि 99% फर्क पड़ेगा, 1% की मैं नहीं कह सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको अपने चेहरे की चर्बी कम करने के लिए और चेहरे पे ग्लो लाने के लिए सबसे पहले मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एक तो योगा और प्राणायाम को अपनाना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। दूसरा आपका ये है कि आपको संतुलित आहार लेना है। जैसे आप पानी पूरा नहीं पीते हो तो इससे स्किन क्या होती है, आपकी बेजान सी हो जाती है। पानी जितना होता है एक एडल्ट पर्सन के लिए उतना पानी आपको लेना है। संतुलित आहार में प्रोटीन और विटामिन जितने होते हैं उसी हिसाब से आपको लेने हैं। इस तरीके से आपकी स्किन का ग्लो आ सकता है। और साथ में आप और ज़्यादा कैसे चमका सकते हैं, इसके लिए आपको जो भी योगा और एक्सरसाइज बताई जाती है उससे वो करना है। अपनी पहली क्रिया क्या थी, जैसे अपन ने फिश पोज किया था प्रीवियस वीडियो में, तो फिश पोज को ही अपन दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी चर्बी होती है और फिर उसके बाद में ये चर्बी नीचे, चर्बी बढ़ जाती है तो ये इकट्ठी होकर के अपनी स्किन नीचे की तरफ लूज हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो फिश पोज करेंगे इस तरीके से। फिर उसके उसके साथ साथ में अपने को स्किन को क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ करना है। अपने फोरहेड को स्ट्रेच करते हुए इस इन चारों फिंगर से ऊपर की तरफ करना है, जिससे ऊपर वाला ऊपर स्किन स्ट्रेच होगी और इधर साइड वाली भी स्किन स्ट्रेच होगी, जिससे स्किन के अंदर खिंचाव आएगा। इस पोजीशन को आपको 1 से 2 मिनट तक कर रहे हैं, यानी कि 2 मिनट तक तो आपको करना ही करना है। दूसरी पोजीशन है बैलून पोज, यानी कि आपको मुंह को फुला के रखना है और हवा निकले नहीं इसके लिए फिंगर लगानी है। जो मैं एक्सरसाइज बताती हूँ उसके साथ में आपको लंबी लंबी सांसें अंदर लेनी है, लंबी सांस और लंबी सांस बाहर निकालनी है, जिससे एक तरह से ये प्राणायाम का भी काम करता है। नेक्स्ट अपना पोज है वो है जैसे अपन ने पिछली बार किया था, फेस को साइड में स्ट्रेच करना और दूसरे हाथ से अपन होल्ड कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, अपन दूसरे हाथ से पकड़ेंगे नहीं, साइड में स्ट्रेच करके एक साइड में और तुरंत इधर लेके आएंगे।
इसको आपको रोकना नहीं है पोजीशन को, यानी कि तुरंत इधर लेके गए, तुरंत दूसरी साइड में लेके आए। इसमें आप महसूस करेंगे यहाँ से यहाँ तक आपकी स्किन है पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है। एक्सरसाइज अपनी होगी, जैसे अपने आईज होती है वो आंखें होती हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाती है, उनकी स्किन होती है वो, तो इस तरीके से अपने को यहाँ से पकड़ना है। और जो अपनी रिंग फिंगर होती है उससे यहाँ पे रिंकल्स हो जाती हैं, तो उसको यहाँ से इस तरीके से आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और साथ में सांसें लेते रहनी है। इसी तरीके से दूसरी आईज की करेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे। पहले तो आँख को यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच होना चाहिए आपका इस तरीके से। फिर ये रिंग फिंगर है उसको यहाँ से आपको टिप होती है उसको इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमानी है और ब्रीथिंग करते रहनी है। फिर इस तरीके से आपको फोरहेड को स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट क्रिया है वो है अपनी, जैसे अपन ने गुब्बारे की तरह फुला करके इस तरीके से किया था, अब अपन क्या करेंगे, जीभ को अंदर ऐसे टच करना, जीभ होती है उसको, और इसको चारों तरफ घुमाना है। जो यहाँ पे अपनी लाइनिंग होती है या फैट होता है वो रिड्यूस होता है, जीभ होती है उसको चारों तरफ गाल के घुमाना है इस तरीके से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी साइड में करेंगे, फिर अपने को मुंह को यूं एकदम से ओ की मात्रा बनानी है, लेकिन हवा नहीं भरनी है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। नेक्स्ट अपनी क्रिया है वो है
आपको दोनों हाथों को ऐसे मुंह पे लगा लेना है, सांस को नाक से भरना है, और जैसे गले से नाक से ही आपको आवाज करते हुए नाक के अंदर उस सांस को नाक से ही बाहर निकालना है। इस तरीके से आवाज करते हुए, भंवरे की आवाज करते हुए यहाँ नाक से ही निकालना है साउंड के साथ में। इससे क्या होता है कि इस एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो अपन ट्रैपिंग करते हैं, फेस ट्रैपिंग की थी, और जो अपन गाड़ी चला रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो उसमें भी वाइब्रेट होता है और अपने जो फेस है उसकी मसल्स खुलती हैं और अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से रहता है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा बनता है। तो इसी तरीके से इस क्रिया में भी क्या होगा कि अपनी जो मसल्स होती हैं वो खुल करके हमारा जो मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन है फेस का वो बहुत अच्छे से बनेगा, जिससे फेस पे ग्लो आएगा। नाक से सांस को भरना है, दोनों हाथों को ऊपर लेना है, नाक से ही सांस को बाहर निकालना है। दोबारा सांस लें, वापस से निकालें। आप अपने आप से ये चीज महसूस करेंगे जब इस क्रिया को करेंगे कि आपके माइंड से लेके आपके हार्ट तक, फेस पे भी होता है, हार्ट पे भी होता है, इसमें मतलब जो भी नसें हैं उसमें एकदम से पूरी तरह से कंपन होता है। यह आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक्सरसाइज आपको 2 मिनट तक करनी है, डेली करनी है। जो भी मैंने क्रियाएं बताई हैं, जो भी एक्सरसाइज बताई हैं, उनको 15 से 20 मिनट तक आप करेंगे तभी फायदा होगा, वरना आप अगर एक 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 दो दो स्टेप करके छोड़ देंगे तो किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। और साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि साथ में अपने जीवन का हिस्सा बनाना आपको योगा और प्राणायाम, संतुलित आहार, ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको स्वस्थ रहने के लिए, न कि चेहरे की चमक बनाने के लिए, बल्कि आपको स्वस्थ रहने के लिए ये 3 चीजों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। इन 3 चीजों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है आप। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी, इसी तरह की इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है वीडियो को। सेशन में फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।